नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। हाल ही में मध्य प्रदेश के बाल भारती पब्लिक स्कूल में बॉक्स लगाओ गौरैया बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीलबड़ के स्कूल में इससे संबंधित एक कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान बच्चों ने गरिमामय कार्यक्रम के जरिए गौरैया बचाने का संदेश दिया, जिसमें विद्यालय के संचालक, कर्मचारियों और बच्चों ने विशेष रूप से भाग लिया और गौरैया बचाने का संकल्प लिया। डब्बा लगाओ गौरैया बचाओ संस्था के सचिव अर्जुन कुमार ने बताया कि गौरैया स्वभाव से मानव प्रेमी पक्षी है। ये मानव समाज के साथ रहना चाहती है। पहले कच्चे मकानों में घोंसला बनाना आसान था, इसलिए बड़ी संख्या में गौरैया हमारे घरों में अंडे देती थी और समूचे वातावरण में गौरैयों की चहचहाट गूंजती थी। अब पक्के मकान हो जाने से गौरैया को घोंसला बनाने में जगह नहीं मिलती, इसलिए वो अपने परंपरागत आश्रय स्थल से दूर होकर अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इस दौरान सचिव अर्जुन ने सभी से ये भी आग्रह किया कि हम पक्के मकानों में गत्ते के डब्बे लगाकर उसमें गौरैया को घोंसला बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे पर्यावरण हितैषी पक्षी को बचाने में मदद मिलेगी और हमें भी संतुष्टि। इस कार्यशाला में बच्चों के द्वारा बनाई गई सुंदर मनमोहक चीजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति देते हुए एक कहानी के माध्यम से बताया कि कैसे हम गौरैया को बचा सकते हैं। हमारे लिए पीने के लिए पानी भी नहीं होता, हम खाने तक को तरस जाते हैं। क्या हमें इस धरती पर रहने का भी अधिकार नहीं? पूरा हक है गौरैया, पर कोई इस बात को समझता ही नहीं कि गौरैया की विलुप्ति एक बहुत बड़ी समस्या है। गौरैया हमारे पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम इन महत्वपूर्ण हिस्से से इनका घर छीन रहे हैं। चित्रों की एक प्रदर्शनी भी विद्यालय के प्रांगण में लगाई गई, जिसमें बच्चों ने सुंदर बॉक्स बनाए। ये बॉक्स भेंट स्वरूप आए हुए अतिथियों को प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर, अशोक त्रिपाठी, दुर्गेश केसवानी, प्रिंसिपल एन के सिन्हा, सरशर जाफर, विश्वनाथ साहू, मेहंदी हाफान और संस्था के सचिव अर्जुन कुमार उपस्थित रहे। साथ ही इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में वरुणेंद्र कथुरिया भी मौजूद थे। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।